आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें निर्णय किया गया है कि कोविड-19 महामारी के चलते जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के लगभग 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त में देने की योजना जो मार्च 2020 से लेकर अब तक लगभग 15 महीने तक देश के करोड़ों को देने का काम किया है, करोड़ों लोगों को देने का काम किया है, उसमें दिसंबर 2021 से लेकर मार्च 2022 तक 4 महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय किया गया है। इस पे कुल मिलाकर 53,344 करोड़ रुपया खर्च आएगा और ये जो अगले 4 महीने दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक इसको लागू करने का निर्णय किया गया है और ये जो खाद्यान्न मिलेंगे ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जिनको मिलता है या अंत्योदय योजना के अंतर्गत जो राशन मिलता है उसके अलावा जैसे पहले भी दिया गया वैसे इसको भी उससे अलग से ही दिया जाएगा, उसके अतिरिक्त दिया जाएगा। और आपको ज्ञात होगा कि उस समय भी ध्यान में यही था कि कोविड महामारी के चलते कोई परिवार भूखा ना रहे और शायद पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जिसने महीनों तक 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न देने का काम किया है और इसमें अब तक 600 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न देने की मंजूरी दी जा चुकी है, 541 लाख मीट्रिक टन अब तक वितरित किया जा चुका है और ये देश के हर राज्य को यूनियन टेरिटरी में लोगों को दिया गया है। इसमें कुल मिलाकर खर्चा 2,60,000 करोड़ रुपया होगा, 2,60,000 करोड़ रुपया ये जो 15 महीने तक हमने अन्न दिया है और अब ये 4 महीने और इसमें जोड़ने का काम किया है।